गांव में वैक्सीनेशन अभियान का दिखा असर। सेंटर पर पहुंचकर लोग लगवाने लगे वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों का डर हुआ खत्म। कोरोना संक्रमण के खतरों से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से चलाया गया वैक्सीनेशन अभियान अब तेजी पकड़ने लगा है। वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता अभियान का शहरी क्षेत्र से ज्यादा असर अब ग्रामीण क्षेत्रों में दिख रहा है। जमशेदपुर में संक्रमण से बचाव के लिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगाने में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे हैं। तस्वीर जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र की है, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर गांव में महिला पुरुष की लंबी कतारें दिखी। इस सफलता के पीछे सरकार द्वारा चलाया जा रहा जागरूकता अभियान और क्षेत्र के मुखिया जनप्रतिनिधि जैसे लोगों का बड़ा योगदान दिखा। वहीं गांव के मुखिया ने बताया कि पहले लोग कोरोना वैक्सीन से डरते थे, लेकिन जागरूकता अभियान चलाकर इन लोगों के अंदर से डर को दूर किया गया है। परेशानी थी, बहुत ही प्रॉब्लम था, क्योंकि गांव का आदमी सभी लोग पढ़ा लिखा नहीं है और सभी के हाथ में स्मार्टफोन भी नहीं है, ठीक है। और स्लॉट बुकिंग करने के लिए भी टाइम में के दिया जाता था, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है। तभी जितना भी अभी जो ऑफलाइन में हो रहा है, ये सबसे बहुत बेहतरीन है और सभी लोग को ये बहुत कोई परेशानी का झेलना नहीं पड़ रहा। क्या उम्मीद कर रहे हैं आने वाले दिनों में गांव का 100%? हाँ, 100% हो जाएगा। वहीं सरकारी बाबू भी मानते हैं कि पहले कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब तस्वीर बदली है। लोग टीका लगवाने के लिए सेंटर पर आ रहे हैं। अभी वर्तमान में मैं फोटका प्रखंड अंतर्गत जूड़ी में हूं और जूड़ी पंचायत में वैक्सीनेशन करा रहा हूं, और लोग अभी वैक्सीन ले रहे हैं और काफ़ी चढ़ बढ़ करके ले रहे हैं। पूर्व में क्या था, लोगों में ये गलत धारणा थी कि वैक्सीन ले लेंगे तो कुछ बीमारी हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, ये करेंगे, इस तरह गलत धारणाएँ थी। हम लोगों ने पूरा टीम वर्क की तरह काम किया और प्रत्येक गांव जा करके स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में लोगों को प्रसार कराया, और हमारे प्रखंड के और अंचल के जितने भी सबसे लोअर लेवल के जो भी पदाधिकारी थे, सबसे गांव से जुड़े हुए जो भी पदाधिकारी थे, उन लोगों ने घर घर जाकर के लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को ये संदेश दिया कि कोरोना वैक्सीन अच्छा बढ़िया है और इससे क्या होगा, कोरोना फिर दोबारा नहीं आएगा। और जन जागरूकता हर फील्ड में जाकर के, हर जगह जाके हमारे सारे पदाधिकारी, सारे टीम वर्क के रूप में हम लोग काम किया। अब क्या अनुमान है कि 100% वैक्सीन के बाद में कोरोना 100% खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, अभी तक तो हम लोग यही जान रहे हैं कि अभी जब वैक्सीन हो जाने से क्या है, कोरोना का जो प्रभाव नहीं के बराबर रहेगा। अगर इसी तरह लोग जागरूक होकर गांव में वैक्सीन लगवाएंगे तो उम्मीद है कि आगामी दिनों में गांव में 100% वैक्सीन लग जाएंगी और कोरोना पूरी तरह हार जाएगा। जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।